मेरा नाम नीरज कुमार है, जैसा कि सभी कोई जानते हैं मैं भी शहडोल से ही हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियम विश्वकर्मा है, मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और ये मेरी स्कूल में स्कूल मेट है। बोलिए, सब ठीक? स्टेडियम को लॉक दिखाएंगे। हम लोग भी यहाँ पास एक समय में कबड्डी खेला करते थे। हेलो गाइस, उनको चाय पीना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं स्टेडियम और आज अभी हम आपको यहाँ का व्लॉग दिखाने वाले हैं। और वैसे भी अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो अभी 13 अगस्त है, आज 13 या 12 अगस्त है। तो अभी यहाँ पर जो परेड वरेड की प्रैक्टिस चल रही है, तो आज हम आपको वही दिखाते हैं। तो चलिए अभी अपन अंदर चलते हैं, क्योंकि हमारे बोलने तक ख़त्म ना हो जाए कहीं। तो गाइस, यहाँ पास अलग अलग स्कूल से सब आते हैं, परेड वरेड होता है, डांस वांस होता है, बस एक हमारे स्कूल से ही नहीं आते हैं। तो गाइस, यहाँ पास देखिए सबसे पहले कौन सा फोर्स है, सचिन भैया आप बताइए। तो गाइस, ये सब हम लोग को नहीं मालूम है, 15 अगस्त के दिन बताएंगे। तो गाइस, ये देखिए कितने डिसिप्लिन से वो सब जा रहे हैं। भैया जी, अभी तो गाइस आप सोचिए, अभी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर जिस दिन होगा 15 अगस्त के दिन, उस दिन कितना प्यारा लगता है। तो गाइज, यहाँ पास हमेशा रोज प्रैक्टिस चलती है और यहाँ पास अलग अलग स्कूल से आते हैं, बस एक केंद्रीय विद्यालय नहीं आता और हमारी स्कूल में होता है सब कुछ जो होता है। और यहाँ पास स्काउट गाइड भी है, गाइड्स भी हैं। गाइज, यहाँ पास देखिए सारे बच्चे कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम हो गया हम लोग को, इसीलिए उतना क्लियर नहीं दिखता होगा। ये क्या है? ये आरसी मेडिकल वाले, ये सर। ये सब पूरा फाइनल 15 अगस्त को पता चलेगा, तो आप लोग 15 अगस्त में भी दिखाएंगे, पूरा ऊपर से दिखाते हैं आप लोग को। चलिए, सोना रहता है, ये सामने से है, ये सब इधर पूरा महिला का रहेगा पूरा इधर। यहाँ VIP पर्सन यहाँ आएंगे, यहाँ से दिखा रहे हैं, ये आगे है ऊपर। यहाँ पास पहले कुर्सी रखा हुआ था, ये दिखा रहे हैं बैक कैमरा। यहाँ पास पहले ये सब में कुर्सी रखा हुआ था बैठने के लिए, ये सब में पूरा कुर्सी। तो फ्रेंड्स, हमको अपने शहडोल के एक बहुत ही अच्छे अंकल, आप सभी उनको जानते होंगे जो शहडोल से, और जो नहीं है वो भी जानते होंगे। तो अभी हम लोग को दिखे हमारा शहडोल वाले अंकल जी, तो अभी अपन उनके पास चलते हैं। उनके चैनल का नाम है हमारा शहडोल, तो चलिए चलते हैं उनके पास। आप लोग जानते होंगे पहले से। तो गाइस, यहाँ पास लड़का लड़की का अलग अलग बनाया जाता है, लड़की लोग अलग रहती है, लड़के लोग अलग बैठते हैं। हाँ, इस साइड लड़की, हाँ इस साइड लड़के रहते हैं, उस साइड लड़कियां रहती हैं। तो गाइस आइए। हेलो नसंगल जी, हम ठीक, आप कैसे हैं? तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार है, जैसा कि सभी कोई जानते हैं मैं भी शहडोल से ही हूँ, और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है रेलवे स्कूल से हुई है, मैं बता दूँ। और उसके बाद मैं बाहर चला गया पढ़ने के लिए, उसके बाद मैंने BCA किया ही शहडोल से। हाँ, BCA मैंने किया, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स किया VB.NET में, और देन उसके बाद MBA किया, और अभी आज की डेट में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। और लगभग 10 साल होने को आए हैं मुझे सेवाएं देते हुए, और साथ ही साथ हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल भी। हाँ, आपको तो सभी लोग जानते हैं शहडोल से, आते लोग। तो आप यहाँ घूमने आए? यहाँ घूमने भी आया हूँ, दूसरा क्या है कि हमारा बालक है जो स्काउट में भाग लिया हुआ, तो वो भी परेड में शामिल है, और काफी गर्व महसूस होता है कि मैं भी बचपन में सोचता था स्काउट लूंगा, लेकिन हो गया, किन्हीं कारणों से मैं नहीं ले पाया, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में ही। हाँ। और स्वतंत्रता का जो पर्व है अच्छे से मनाएं, और आज़ादी की कीमत को समझें,
और इसका जो मान सम्मान बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। तो गाइज यहाँ पास देखिए, अभी शाम के टाइम आपको स्टेडियम में के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस के बच्चे भी आते हैं और ऊपर से मतलब देखने वाले भी आते हैं कि प्रैक्टिस हो रही है, कैसे हो रही है। तो गाइज जब हम लोग खेला करते थे यहाँ, पहली बार कबड्डी खेलते थे हम लोग पहले बहुत पहले, तब यहाँ पूरे में चेयर्स थी, अब एक भी चेयर्स का पता नहीं है। तो गाइस सचिन भैया माइक को पॉकेट में रख के बोल रहे इतने धीरे, जैसे भैया जी को कोई जादू ही शक्ति आ जाएगी, भैया जी की आवाज़ आपको सुनाई दे देगी। तो गाइस यहाँ पहले भी स्टेडियम में हमेशा भीड़ होती है, सुबह शाम तो होती ही रहती है, और अंकल आंटी बच्चे यहाँ क्रिकेट का मैच भी चलता है, और अंकल आंटी लोग सुबह हमेशा आना जाना लगे रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज वॉकिंग करने सब आते हैं, और अभी भी उतनी भीड़ है गाइस। और अभी हम आपको यहाँ का पूरा गोल घुमा रहे कि स्टेडियम है कैसे, क्योंकि इससे पहले आज तक हम यहाँ स्टेडियम का वीडियो नहीं बनाए, बनाने को सोचते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं व्लॉग, 15 अगस्त की तैयारी हो रही है उसका, तो आपको और कभी सेपरेट तो अभी बन रहा है, लेकिन फिर भी जब कभी टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे स्टेडियम का भी व्लॉग। तो गाइस ये हमारे स्कूल के प्रियम है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियम विश्वकर्मा है, मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और ये मेरी स्कूल में स्कूल मेट है। थैंक यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। और ये मेरा ब्रदर है। मैं इनका भाई हूँ अथर्व। हाँ जानते हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप घूमना है अभी? हाँ अपन घूम ही रहे हैं। अच्छा, तो गाइज ये हमारे स्कूल के प्रियम, स्कूल में भी मिलते तो बहुत अच्छे से बिहेव करते, बहुत अच्छा नेचर है इनका। और गाइज अभी भी हमको बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई हमको पहचाना, कोई इतने बड़े पूरे स्टेडियम में कोई एक हमको पहचाना, जैसे अभी हम हमारे शेड्यूल वाले अंकल जी को पहचाने। तो चलिए अपन और आगे चलते हैं। तो दोस्तों मेघा का भी सब्सक्राइबर मिल गया है, तो मेघा को बहुत अच्छा लगा है जो हमारा सब्सक्राइबर मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम भी ब्लॉगिंग करेंगे दोस्तों, आज से हम मोटिवेट हो गए हैं, तो आज से अब हम भी ब्लॉगिंग करेंगे, हम भी अपना फेस वैल्यू बनाएंगे मेघा के साथ में। जब मेघा को समय रहेगा तो मेघा बनाएंगी, हमको समय रहेगा तो हम बनाएंगे। ठीक है, अब बताइएगा किसका ब्लॉगिंग आपको अच्छा लगता है। हाँ, तो आपको कोई जानता, धीरे धीरे सब जान जाएंगे। तो फ्रेंड्स वहाँ सामने देखिए, सब वहाँ शायद गाइड्स की प्रैक्टिस हो रही है, और उधर अंदर में हम लोग को जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे वो सोच के हम नहीं जा रहे हैं कि कहीं डांट वाटते पड़ जाए, हमको बहुत डर लगता है डांट से। तो गाइस अभी आपको तो इस वीडियो में मज़ा उतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को, नॉर्मल सभी जानते हैं, बताने वाली बात नहीं है। और गाइस तो यहाँ पास अभी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, अभी ये सब की उतनी प्रैक्टिस होती है, लेकिन अभी थोड़ी सी रुक सी गई है, क्योंकि यहाँ पास आते हैं बच्चे लोग परेड की प्रैक्टिस करने, सुबह शाम आते हैं, सुबह 6 बजे तक और अभी शाम के 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। और जैसे जैसे मतलब 15 अगस्त पास में आता है, वैसे वैसे थोड़ा लेट होते जाता है, मतलब परेड के लिए और टाइमिंग लगते जाती है। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं बास्केटबॉल की ग्राउंड में, और यहाँ पास अभी प्रैक्टिस चल रही है, वैसे शाम के 7 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस चलती है, और एकदम सुबह सुबह भी चलती है। हमको भी खेलने का मन करता है लेकिन आता ही नहीं, खेलते रूल वूल जानते ही नहीं, कुछ हाइट भी नहीं है, लेकिन क्या करें, हम लोग भी यहाँ पास एक समय में कबड्डी खेला करते थे। हेलो गाइज, उनको चाय पीना है। तो अभी यहाँ पास गाइज अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पास अभी नए झूले उले लग गए हैं, एक्सरसाइज के भी सब कुछ लग गए हैं, पहले ये सब कुछ उतना नहीं था जितना अभी हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ जंगल बहुत है। पहले जहाँ पास जिसकी कमी थी वो चीज़ आ गई, और जहाँ पास की कमी नहीं थी वो चीज़ फैल गई, मतलब पहले घास फूस उतना नहीं था, मतलब साफ़ सफाई था, अब साफ़ सफाई नहीं है, पहले वो चेयर्स लगे थे वहाँ पास, लेकिन अब वहाँ चेयर्स नहीं है। और गाइज यहाँ पास हैंडबॉल का ग्राउंड है, और वो उसके जस्ट पीछे ही कबड्डी का ग्राउंड था जो हम लोग खेल के छोड़ दिया, और यहाँ पास झूले उले लगे थे गाइस, यहाँ पास बच्चों को भी इंटरटेनमेंट हो जाता है ना, झूले उले लगे रहते हैं, मम्मा लोग के साथ या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो वो अपने भी इंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो गाइस हम भी बच्चे बन गए, और हमारे जस्ट पीछे म्यूजियम है, इसे भी ब्लॉग आपको कभी दिखाएंगे, लेकिन अभी तो आपको स्टेडियम का ही हम दिखा रहे हैं। आइए तो इसमें हम जाते हैं, देखें, डर लगता गिरे वगैरह ना, बड़ा टूटा टूटा है, कब गिर जाए, देखिए भैया ये टूटा है,
गाइस ये देखिए यहाँ पास की टूटे सामान सब, हमारे स्टेडियम इतनी गरीब हो गई है, यहाँ पर सब टूटा टूटा झूला है, कब किसको, हाँ सब दिन भर रहते हैं, खेल खेल के तोड़ फोड़ देते हैं। और गाइस यहाँ हम लोग के कबड्डी वाले ग्राउंड में बन चुका है बैडमिंटन का ग्राउंड, अभी दिख रहा भैया हमारा कबड्डी ग्राउंड बैडमिंटन ग्राउंड में कन्वर्ट हो गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पास पहले कबड्डी खेला करते थे, जहाँ पास अभी बैडमिंटन का ग्राउंड बन गया है, वो टाइम अलग और अभी का टाइम अलग है। उस समय खेला करते थे और अभी ब्लॉग बनाते, उस समय ब्लॉग का कुछ हमारा नाम निशान नहीं था। और ये जो ब्लॉग स्टार्ट किया हम, ये सिर्फ अपने सचिन भैया की वजह से। और ये जो हमारा चैनल है गाइस, ये 2015 में बना है, और जब हम लोग वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं ये लॉकडाउन के बाद, ये लॉकडाउन के बीच से स्टार्ट किए हैं। और ये सचिन भाई, हाँ पहले सचिन भैया कोई सा भी वीडियो बनाते थे कि याद रहे, कि अगर कभी गैलरी और जिसे फ़ोन से डिलीट हो जाते, लेकिन यूट्यूब में तो रहेगा, यूट्यूब हमेशा का है, इसलिए गाइस सचिन भाई ऐसी वीडियो अपलोड करते थे, फिर हमको भी बताए तो फिर हम भी धीरे धीरे आए। पहले तो बहुत शर्म आती थी, शाय होता था कि ओह वीडियो इतने सारे पब्लिक के सामने कैसे बोले, लेकिन अब बोल बोल के इतना ना आदत हो गया कि अभी भी थोड़ी शर्म आती है हमको, अभी उतनी ख़त्म नहीं हुई, हेजिटेट हो जाते हैं रेगुलर बनाते बनाते, फिर बीच में रुक जाते हैं। तो गाइस चलिए अब पापा जी का भी काम हो गया होगा, क्योंकि तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं आपस बाउंड्री, हाँ 15 अगस्त के दिन होगा सर, बोलिए सब ठीक। तो गाइज ये सब जितने भी लड़के हैं सब हम लोग के स्कूल के, हमको बहुत अच्छा लगता है, सब कोई हमसे मिलते हैं, कोई अगर हमको पहचानता ना हमको बहुत अच्छा लगता है। और गाइज ये जो अभी आप देख रहे हैं बीच में ये वाइट बाउंड्री बनाए हैं, यहीं पास से परेड होगा और यहाँ पास फ्लैग होस्टिंग होगी 15 अगस्त में भी, आपको इससे पहले वीडियो दिखाए हैं 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, तो इस बार भी दिखाएंगे, लेकिन इस बार हम नहीं रहेंगे, इस बार 15 अगस्त के वीडियो में हम रहेंगे तो अपने सिर्फ स्कूल वाले वीडियो में, और यहाँ वाले वीडियो में सचिन भैया रहेंगे, क्योंकि दोनों जगह का वीडियो कंटेंट तो निकालना पड़ता है। तो हम स्कूल जाएंगे और सचिन भैया आएंगे स्टेडियम, तो भैया जी आप यहाँ स्टेडियम का ब्लॉग दिखाएंगे। भैया जी बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है। तो चलिए गाइस चलते हैं, गाइस अभी से सचिन भैया बोलेंगे, हम बहुत थक गए बोल बोल के, मुँह दर्द कर गया, बोलिए भैया। गाइस अब से सचिन भैया भी वीडियो में आएंगे, क्योंकि अब सचिन भैया कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं शहडोल से, एक महीने के लिए चले जाएंगे, फिर लौट के कहाँ जाएंगे, हमारी पास ही आएंगे। मतलब ये है क्या बोले कि सचिन भैया सिर्फ अभी रक्षाबंधन के बाद चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे कुछ दिनों बाद के लिए जाएंगे, तो फिर हम जहाँ रहेंगे अकेले जो भी रहेंगे वहाँ का हम दिखाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो फिर मेघा आप लोग को दिखाएंगे। गाइज अब हम आपको एक महीने बाद दिखेंगे रक्षाबंधन के बाद, फिर हम आपको एक महीने बाद दिखेंगे, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि सचिन भैया भी जाएंगे दिल्ली या फिर बिहार कहीं जाएंगे, तो भैया जी आपको व्लॉग दिखाएंगे, हम उस व्लॉग में नहीं आ पाएंगे, और आएंगे भी कभी तो देखेंगे आते हैं कि नहीं, फिर पापा जी के फोन से व्लॉगिंग करेंगे। ठीक है, बाय दोस्तों, बाय फ्रेंड्स। तो सचिन भैया की भी आदत आप लगा लीजिए, क्योंकि भैया जी जाने वाले हैं, और भैया जी को भी सपोर्ट करिएगा सिर्फ जैसे हमको करते हैं।